नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी ज्वाइन करने से पहले आपके गाइड या फिर आपके सुपरवाइजर के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि के रिसर्च अबाउट योर गाइड बेड फॉर डूइंग रिसर्च विद योर गाइड। क्योंकि अगर आपके आपके गाइड से पट नहीं रही है तो ये पीएचडी के 3 साल या पीएचडी के 5 साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो कैसे आप आपके गाइड के बारे में मालूम कर पाएंगे, उस चीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहली चीज, जो लोग अभी उस गाइड के साथ काम कर रहे हैं वो आपको एक सही फीडबैक नहीं दे पाएंगे कि गाइड का बिहेवियर क्या है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए कि आप जो उनके एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो कि उनके अंडर पीएचडी कर चुके हैं, उनसे आप पूछें। अच्छा, किस बारे में पूछेंगे कि बिहेवियर क्या पीएचडी के टाइम पे अगर आपको कोई क्राइसिस को फेस करना पड़े या आपके घर में कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या ऐसे टाइम पे आपका गाइड आपको सपोर्ट या हेल्प करेगा या नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरा, आपके रिसर्च के काम में जो आपका गाइड है वो किस हद तक आपको हेल्प करता है, ये दूसरी चीज़। जो भी रिसर्च का काम हो रहा है, क्या उसके लिए फंडिंग मिलती है आपके गाइड को या नहीं मिल पाती। और तीसरी चीज़ और फोर्थ चीज़, आपके गाइड की लैब में वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं जो कि आपको वो काम करने के लिए चाहिए, या तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं, ये भी आपके एक फीडबैक का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट चीज, उस ग्रुप मींस उस गाइड के अंडर अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पब्लिकेशन हिस्ट्री से आपको बहुत सी चीजों के बारे में मालूम चल सकता है। क्या क्या आपको क्या मालूम पड़ेगा? फर्स्ट चीज कि ये ग्रुप, वो गाइड के अंडर जो भी लोग हैं वो लोग किस एरिया में काम कर रहे हैं। आपके गाइड की या फिर आपके सुपरवाइजर की कॉम्पिटेंसी किस एरिया में है, ठीक है, वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है, ये चीज़ के बारे में आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा इफ़ यू विल स्टडी द पब्लिकेशन हिस्ट्री ऑफ द ग्रुप। थर्ड, उस ग्रुप की पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी कि कितने कितने टाइम बाद उस ग्रुप में से कोई भी आर्टिकल आ रहा है, चाहे वो आपका रिव्यू आर्टिकल हो या फिर आपका रिसर्च आर्टिकल हो। फोर्थ चीज़, कोलैबोरेशन हिस्ट्री। अच्छा, उस ग्रुप में जो जो भी लोग हैं क्या वो मिलके कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल कर रहा है, ये चीज़ के बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा इफ़ यू विल स्टडी द पब्लिकेशन हिस्ट्री ऑफ द ग्रुप। और अगर आपको और भी जानना है कि आपकी उस गाइड से पट पाएगी या नहीं, तो पीएचडी करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप या तो एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट बनने का ट्राई करें, क्योंकि ये चीज़ें साल या 1.5 साल के लिए होती हैं फॉर अ स्मॉल टाइम। उसी में आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपकी उनसे बन पाएगी या नहीं, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू बोथ कैन वर्क इन अ नाइस वे तो ही आप पीएचडी ज्वाइन करें, अदरवाइज आप चाहें तो कोई और गाइड भी आप ढूंढ सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि मेरे ये टिप्स आपके काम आए होंगे। अगर तो आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक फ्री ईबुक है आपके लिए अबाउट थिंग्स टू नॉट डू ड्यूरिंग पीएचडी, उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप मेरे को डोनेट भी कर सकते हैं। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, थैंक यू।